दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं टेक्नोमैक्स। पीछे से अगर कुछ आता है आवाज़ तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि आज विसर्जन का दिन है बप्पा का। आपको मालूम है गणपति फिफ्थ डे है, तो आज बहुत सारे गणपति हमारे यहाँ से जाते हैं विसर्जन के लिए, जिनका 5 दिन का होता है उनका, तो उसके लिए माफ़ कर देना अगर आवाज़ आती है। तो आज वीवो ने कमाल का काम कर दिया दोस्तों, Z1 X लॉन्च किया और जिस प्राइस पे आया दोस्तों, सच में इसके स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छे हैं। मुझे अगर आप ऊपर से देखोगे तो अच्छे लगेंगे और अगर डीप में बात करोगे तो और भी अच्छे लगेंगे। एक छोटी सी गलती कर दी है और इस स्मार्टफोन में क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, स्पेक्स बेस्ड मतलब स्पेसिफिकेशन के बेस क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूं दोस्तों। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों पसंद आया दोस्तों। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्मार्टफोन लॉन्च किया दोस्तों 6GB रैम वाला, 6GB 64GB वाला जो है दोस्तों वो आता है 17,000 का, एंड दूसरा एक है 6GB 128GB वाला जो कि 19,000 का आता है। अब इसमें मुझे लगता है एक 4GB रैम वाला अगर लेकर आते हैं ना, 4GB 64GB, कुछ 15-16 हज़ार तक, तो मेरे हिसाब से कमाल हो जाता था और बहुत सारे लोग खरीदते थे। फिर भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि खराब है, स्मार्टफोन सच में बहुत अच्छा है। अब शुरू करते हैं पहले स्पेसिफिकेशन से दोस्तों कि क्या प्रोज हैं, क्या कौन से हैं। इसमें आपको डिस्प्ले डिजाइन की बात करें तो आपको 6.38 इंच का सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलता है, जिसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है यू शेप वाला, देन उसके बाद रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट है। ये बुरा लगा मुझे, ग्लास देते तो अच्छा होता था, तो यहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगा। देन रिजोल्यूशन की बात करें अगर डिस्प्ले की दोस्तों, तो आपको 1080x2340 का मिलता है, 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो है, देन उसके बाद 409 का PPI मिल जाता है, पिक्सल पर इंच का पिक्सल डेंसिटी जो है दोस्तों, एंड कुछ 86% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, तो अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। जो स्क्रीन है दोस्तों, डिस्प्ले जो है इतना अच्छा है, सुपर एमोलेड का है, तो आपको जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी अच्छे हैं। और उसके बाद इसमें प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें स्कॉट सेंसेशन 3D का प्रोटेक्शन मिलता है, जो कहते हैं कि गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के बराबर ही है, वैसा ही प्रोटेक्शन देता है, तो अच्छा है। बट रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट दिया है, ट्रिपल कैमरा का सेंसर है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसलिए रियर साइड पे नहीं है, तो स्मार्टफोन देखने में दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, डिस्प्ले भी अच्छा है। एक छोटा सा पॉइंट मुझे बुरा लगा कि वही पीछे पॉलीकार्बोनेट दिया हुआ है दोस्तों। उसके बाद बात करें प्रोसेसर की, तो स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर है, अच्छा है मेरे हिसाब से, तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा अभी बहुत चल भी रहा है, बहुत सारे स्मार्टफोन देते भी हैं इस प्राइस रेंज में। 712 है, ऑक्टा कोर है, 10 mAh बेस है, यानी बैटरी एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलेगी दोस्तों। ऑक्टा कोर है, 8 कोर्स में से 2 कोर जो है 2.3 GHz पे क्लॉकड है, बाकी 6 कोर 1.7 GHz पे क्लॉकड है। सारे कोर जो है क्रायो 360 वाले हैं, अच्छे हैं। देन इसके साथ साथ आपको एड्रीनो 616 का सपोर्ट मिलता है, यानी गेमिंग ग्राफिक्स मक्खन की तरह चलेगा दोस्तों। अल्ट्रा गेमिंग मोड भी है, तो उससे आप गेमिंग को और भी अच्छी तरह चला सकते हो। फोर्टनाइट का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स आता है, तो अच्छी चीज़ है, और पबजी खेलते हो तो वो भी हाई सेटिंग पे खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एंड्रॉइड 9 पाई के साथ आता है, जो कि फन टच ओएस 9.0 के साथ आता है, तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। उनका खुद का है, थोड़े से ब्लोटवेयर आते हैं, उसको हटा सकते हो, लेकिन चीज़ें अच्छी हैं। जिस प्राइस पे आया दोस्तों, उस प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर और परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है। अब आते हैं कैमरा सेगमेंट में, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, अच्छे कैमराज है दोस्तों। 48+8+2 MP के ट्रिपल कैमरा है, 48 MP और उसका अपर्चर F1.8 का है, इससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 FPS पे। IMX582 वाला सेंसर है, 586 वाला नहीं है। एंड देन उसके साथ साथ 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, जिससे 117 डिग्री तक की फोटोग्राफी निकाल सकते हो, और फोटोग्राफी ही नहीं, इसके साथ साथ आप अल्ट्रा वाइड वीडियोज भी निकाल सकते हो। तीसरा वाला सेंसर 2 MP का डेप्थ सेंसर है, इसका अपर्चर F2.4 का है, एंड ये ब्लर करने का काम आता है बैकग्राउंड, यानी अगर बुके फोटोज निकालोगे, पोर्ट्रेट इमेज निकालोगे, तो वहाँ पे बैकग्राउंड जो ब्लर करते हैं उसके काम आता है, अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको सपोर्ट करता है, उसके अलावा बुके पैनोरमा HDR सब कुछ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रंट साइड में 32 MP का सैमसंग का ब्राइट GD1 वाला सेंसर है, जो जिसका अपर्चर F2.0 का है, यहाँ से भी आप 1080 रिजोल्यूशन के वीडियोज निकाल सकते हो, एंड सब बुके पैनोरमा HDR यहाँ से मिल जाएगा, तो अच्छे कैमराज हैं, अप टू द मार्क है। जिस प्राइस पे हैं दोस्तों, आपको क्वाड कैमराज मिलते हैं, एक फ्रंट साइड में और 3 पीछे साइड में, तो अच्छे हैं मेरे हिसाब से। जिस प्राइस पे आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया दोस्तों। बैटरी डिपार्टमेंट में 4500 mAh की बैटरी है, जो कि 22.5W के फ्लैश चार्ज के साथ आता है, 4500 mAh की बैटरी, देन उसके साथ साथ 22.5W का फ्लैश चार्ज भी है, टाइप सी का पोर्ट भी दिया हुआ है, जो कि अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। बाकी सारे पोर्ट वोट्स सब हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3.5mm से लेकर सारे जैक्स हैं। देन इसके साथ आपको ईयरफोन फ्री मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। तो नॉर्मली स्मार्टफोन्स में सारे आते नहीं, वीवो के स्मार्टफोन देते हैं, लेकिन और कोई ब्रांड आजकल यही चीज़ें नहीं देते, इसमें आपको एक ईयरफोन भी आता है, जो कि मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट है दोस्तों। सेंसर सारे आपको मिल जाएंगे, आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, फेस अनलॉक काम करता है, कैमरा 2 API का सपोर्ट मिलता है दोस्तों, देन उसके साथ वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, यानी अगर आप कंटेंट देखते हो, नेटफ्लिक्स ये सब देखते हो, तो आप
HD में भी देख सकते हो, उससे अच्छे में भी देख सकते हो, तो अच्छी चीज़ है। देन इसके साथ एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, कंपास, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सारे सेंसर जो छोटे मोटे छोटे मोटे सब मिल जाते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला है। तो सेंसर्स के डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम किया है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं दोस्तों। तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे आता है दोस्तों, स्लॉट वेरिएंट और प्राइसिंग की बात करें तो एक्सपांडेबल नहीं है, या दो सिम कार्ड लगा सकते हो बट आप एक्सपांड नहीं कर सकते मेमोरी को, तो जो खरीद रहे हो ध्यान देना, उससे ज़्यादा आप एक्सपांड नहीं कर सकते। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, एक्सपांड करने लायक होना चाहिए था। चलो अच्छी बात है। वेरिएंट की बात करें तो दो वेरिएंट आए हैं, पहला है 6GB 64GB जो कि 17,000 का है, दूसरा वाला है आपका 6GB 128GB जो कि 19,000 का है। तो 2,000 का प्राइस डिफरेंस है अगर आप ज़्यादा स्टोरेज लेना चाहते हो तो। और इस 6GB 64GB की बात करें तो इस प्राइस में आपको वीवो Z1 Pro जो है वो भी आता है दोस्तों, यही वेरिएंट इसी प्राइस पे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, प्राइसिंग तो मेरे हिसाब से अच्छा रखा है, देखते हैं कैसा चलता है। मेरे हिसाब से प्राइसिंग अच्छा रखा है, गलती यही कर दी है कि एक 4GB रैम वाला वेरिएंट लेके आना चाहिए था। तो कैसा लगा स्मार्टफोन आपको? मुझे तो अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा, लेकिन तीन चीज़ें थोड़ी बुरी लगी। पहला, मुझे लगता है एक छोटा वेरिएंट लेके आना चाहिए था 4GB रैम वाला। दूसरा, पॉलीकार्बोनेट दे दिया पीछे, वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। देन तीसरा, आपको एक्सपांडेबल स्लॉट नहीं मिलता, तो ये तीन चीज़ें मुझे बुरी लगी। बाकी स्मार्टफोन अगर ओवरऑल देखोगे तो सच में बहुत अच्छा है, खरीद सकते हो, मेरी तरफ से सजेशन है, अगर आपको लेना चाहते हो तो ले सकते हो। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा स्मार्टफोन जरूर बताइए, पसंद आता है कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद है डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिन्हें चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखिए व्यक्ति में जिस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।